कहना जी हम तो जी हेट के खिलाफ है, मैं साढ़ मेरा आगा आगा ना कोई सा चमका दूंगा। सुबह सुबह छोले भटूरे खुआ के मेरे गैस बनाने आयो ना तुम है? आपकी इच्छा थी? मेरी इच्छा ना थी साढ़े, मेरी तो इच्छा ही होती कि मुझे घर ले चलो मेरी मम्मी के हाथ का खाना खाना, पर हरामी ये लेके आए हैं भाई। वाह मौज काटी भाई। सुबह सुबह कॉल करो भाई छोले भटूरे वो पैटीज ले आने, तो क्या करें? अच्छा इतना मानते हो भाई की बात, चलो फिर तो अच्छी बात है। नाइस मैन नाइस, खा ले खुद खा लो, नू कही थी मैंने कि तुम भी खाना चल खा ले। मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हाँ शोर मचा लो, हमें कहाँ व्लॉग करने दोगे। गुड मॉर्निंग गाइज अगेन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई आज का सीन ऐसा है, आज का सीन ना पहली बात तो काम वाली ने हमारा बेकू बना दिया। सुबह सुबह आ गए, मम्मी कह रही काम वाली आएगी बर्तन धुआ लिए, मैं कहा ठीक है बर्तन धुआ लिए मैंने। उसके बाद उन्होंने कह रही झाड़ू पोछा भी करवा लिया, मैंने कहा झाड़ू पोछा भी करो, तो यहाँ का उसने झाड़ू पोछा शुरू कर दिया था रसोई का, और फिर मैं आया बाहर, मैंने कि अब तक तो सारा कंप्लीट हो चुका होगा भाई। भग्गी भाई भाई भग्गी है ना भाई, जिंदगी में बहुत धोखे मिल रहे हैं यार, काम वाली तक धोखा दे रही है भाई। यहाँ पे इसका लगा क्या और पार होगी। मैंने मम्मी तरफ फोन करा, मैंने कहा मम्मी धोखा कर गई हो, तो कह रही हो होते तो किस्मत ही खराब है, ये कोई बात है धोखे के लिए बनाया तो इसलिए तो पैदा करा तेरे को, ताकि ताकि दुनिया तुझे धोखा दे सके। कोई बात तुम भी दे दो फिर धोखा। अब ना दे भाई, यार ब्रूस मैं तो कुछ और देता हूं, अगर हमने तो दे रखा धोखा बहुत पहले से, पता लगेगी। मैं कुछ और देता हूं, बता हमें रुपया में भी तो दे है तू। चल कोई बात ना, अभी तो भाई एक बार घर निकल रहे हैं, तुम नहा दो रहे हो? हाँ भाई। हमारी शाम को एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना, तो लक्षा चौधरी को कूटने जा रहे थे हम भाई, वो तो रात को भी चल सके ना। अच्छा हाँ, कब तक बचेगा, कब तक बचेगा, और दूध लेके आएंगे तेरे जैसे सांप को पिलाने को, ठीक है? ऐसा सब चीज ना बताए करें, दूध में जहर नहीं होगा, पी लेना प्लीज है। अभी तो निकल रहे हैं, पर मैं भी घर जा रहा हूँ, ना धो के आऊंगा, और ये भाई और भी हमारे घर जाके ना धो के आएंगे। यार तुम नहा के आया करो जब भी आओ इधर, है ना यार, मत आया करो प्लीज यार, इतनी धूप में तो मर जाऊंगा मैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ भाई, इतनी धूप के लिए तो मैं बना ही नहीं, मैं तो पेंगुइन खानदान से बिलोंग करता हूँ गाइस, और मैं सोच रहा था आज वरना को लेकर चलूँ। हाँ हाँ, पर क्या करूँ, ये थोड़ी गर्म गाड़ी है ना, ज़्यादा हॉट गाड़ी है, तो अपने उसी में चल रहे हैं, क्योंकि उसी की चाबी लेकर आया, ऊपर तक लानी भूल गया उस वाली की, पर चलो कोई नहीं, ये अपनी ज्यादा गाड़ी अच्छी है, प्यारी प्यारी है, इसमें बैठ के आप हो जाते पार। माँ कसम नारियल पानी पीने का इतना जी कर रहा हूँ, एक भी ना दिख रहा, आज मर गएगा सारे नारियल पानी, कहते ही मिल गया। अभी मैं 1 करोड़ रुपए मांग लेता ना भगवान, तो भगवान कसम मुझे वो भी मिल जाता भाई, सच्ची में मिल गया। भैया भैया प्लीज आ जाओ भैया, वो दे दो नारियल, वो दे दो मलाई वाला पीना है ना, हाँ दिए यार, मतलब जिसमें ज्यादा पानी हो, माँ कसम रो हूँ मैं फिर बाद में अगर ना मिले पानी मुझे। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा नारियल पानी है, सबसे बड़ा, मतलब अभी तुम पता लग रहा हो नीचे तक इसकी विड्थ है भाई, बहुत बड़ा है, बहुत पानी है इसमें, अगर पी लूँ और भैया का ये एड्रेस दे दूंगा, नहीं चलो छोड़ो। लो भैया मलाई मत देना मुझे, मैं कितने रुपया हो गए? 60 रुपये भाई, 60 रुपये हो गए, चलो 60 रुपया तो ले ला, मैं लेकर भाग जाता हूँ 60 रुपये के नाम पे। क्या नाम भैया आपका? क्या नाम है आपका? बाबू। बाबू, ओ भाई नाइस नेम मैन। अभी जस्ट घर में एंट्री ली है, और मेरे हाथ में, मैं इस बार भूला नहीं हूँ, बच्चे जो कहते रहते कि भाई रिफ्लेक्टर बैंड्स दे दो, तो अभी भाई आएगा उसको रिफ्लेक्टर बैंड्स देंगे। मैंने कहा भाई मोटरसाइकिल खड़ी करके आ रहा हूँ, मैंने कहा आ जा तो अच्छा काम करना शुरू कर, बहुत आगे जाओगे। कितने बैंड दूँ, जितने हाथ में उतने दे दूँ भाई, तो पूछूंगा मैं कितने कुत्तों की हेल्प करना चाहते हो। सारी पन्नी रिताई अभी बाड़क तो ले गए, उनको दे दिए मैंने 5-6 बैंड जितने भी मुट्ठी में, कह रहा भाई इतने कुत्ते गली में, मैंने कहा चल कोई बात ना। और ये भाई मेरी फॉर्चूनर के स्पीकर है जो चेंज हुए थे, और ये इसका पूरा सेट है, मतलब ना पता कितने स्पीकर है, मेरे हिसाब से 6 स्पीकर हैं, सारे चेंज हुए थे ना, तो ये इसकी अलग से पन्नी रख के घर पे रखी जाएगी, और इस वाले में बिस्कुटें तो वापस लेके जाऊंगा। बाकी पुलिस वाले की टोपी देख लो गाइस, ये भी तो कैरी करता हूँ मैं, पुलिस वाला बन जाता हूँ पार्ट टाइम, वो हूँ मैं हवलदार भाई। मैं अंगूर खा रहा हूँ, ये साइड में जो पेठे दिए थे, मतलब अरे तू शोर मचा ले, वहाँ ठूटी खोल दे, ठूटी खोल के पागल कर दे, हैं हम तो करी रखे हैं ठूटी ने, और कर दे पागल भाई। अंगूर खा रहा था मस्त, और ये जो पेड़ दिख रहे हैं ये मथुरा से भाई ने मेरे को गिफ्ट दिए थे, मोटा सारे खा जाएगा सारे टू जेड। और अभी पता है यहाँ से उठ के क्या कह के गया, कह रहा वो एक बार ना मैं तेरा पानी लगा देती हूँ गर्म करने के लिए, मैंने कि क्यों, कह रही तेरे अंदर तो बांस भी तो आ रही है, मगा ले ठीक है यार, इलेक्शन खत्म हो गए भाई, आगे बढ़ लो ना, अब क्या हो गया? हाँ भाई हार जीत चलती रहे भाई, सिद्धू मूसे वाला हार गया तो क्या हो गया ये बताओ मेरे को, दौर दुनिया नहीं आ रही है भाई, थोड़ा चिल रहा है भाई, इतना दुखी नहीं होते, चिल तो ना लग रहा मुझे, तू हैं साड़ा पागल हुआ पड़ा है भाई, ये हैं डिप्रेस्ड है, हैं कश्मीर फाइल्स देख के ना हुआ तू डिप्रेस्ड, उससे डबल हो गया ना मैं, अच्छा उससे और ज्यादा हो गया, पर भाई गलत ही हुआ ना, मां कसम कल रात ढंग से नींद भी ना आई मुझे भाई। हां भाई क्यों हुआ, गलत हुआ, अब भाई एजुकेट करो लोगों को जितना हो सके, अवेयरनेस और फैलाओ, एजुकेट तो हो जाएंगे कुछ लोग नहीं हो पाएंगे, पर एजुकेट भाई वही है, सुनो अच्छा मार पलम करे एजुकेट, अच्छा खुद तो ले पहले तो दिया इट्स ऑल अबाउट टीचिंग कि किसको क्या पढ़ाया जा रहा है,
अब स्टिल भाई मैं अभी एक बात करूंगा कई होकर चुप जाएगी, इसलिए नहीं कर पाया। गाइस नहा धो के ऑल सेट है, नहा धो के ऑल सेट। आज ना यार मैं नू सोच रहा था, मगर यार मैं एक लगातार पता कितने व्लॉग निकाल दिए मैंने। चल तुम गैस करो लगातार मेरा कौन सा व्लॉग चल रहा है। 110 चल रहा है, अराउंड सेम था ना, अराउंड सेम ना 10 व्लॉग फालतू भाई और लगातार निकाल रहा हूँ। इसका मतलब ये कि 3 महीने 4 महीने होने वाले लगातार। मैंने सोचो यार एक दिन तो मुझे रेस्ट मिलना चाहिए। नहीं भाई नहीं, है? नहीं। रिकॉर्ड बनाना ना हमको कितने 365 नहीं फिर तो साढ़े डबल कर दो इसको, है ना भाई। अब तो करते ही चलेगा जिंदगी भर, जिंदगी भर का व्लॉग है क्या ये सिस्टम है क्या। आओ भाई भाई एक दिन मुझे रेस्ट दे दो। मैंने कहा था सोचू एक बार आराम से बस सो जाऊं, सिर्फ सो जाऊं। मैं कह रहा हूं शादी वादी हो गया फिर तब भी व्लॉग करोगे? शादी के बाद? शादी के तब, शादी मंडप में। अरे शादी के मंडप में, ओ दुनिया कर रही हम क्यों ना कर सके उससे कह दूं किसी और तो भाई तू बनाई वीडियो मानू थोड़ी करूंगा नू फेरे चल रहे नू कैन है कैन मार के गेम चल रहे हैं। तो गाइस फेरे चल रहे हैं हमारे और ओए तंता चल ले तेज नहीं चल दिखा दिया डोमेस्टिक वायलेंस कैसे करता है अपनी बहू पे। ओ के लिए आया, के लिए आए हो? ये तो खाने की चीज नहीं है। भिंडी आल के आज और भिंडी बनाओगे आज? ओके वैसे कल शूट है, रेडी हो तुम? स्क्रिप्ट तो पढ़ी नहीं होगी। अरे तू 13:30 बल्कि अच्छा रोल अच्छा नुकर मैं तो स्क्रिप्ट खुद लिखता हूँ। 3:30 मारूंगा खड़ा हो जाए चुपचाप, वहाँ चल रहे हैं। आओ जी अब निकल रहे हैं सीक्रेट प्लेस पे, किसी को नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं ना, किसी को पता ही नहीं जो हैं किसी को पता ही नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। चल बाय बाय, बुला ले अपने छोरे ने, बुला ले ठाले अपने छोरे ने ठाले। भाई वाह चोर साला, गाड़ी में घेर ले इसने आज, जल्दी गाड़ी में घेरेंगे आज, गाड़ी में घेर दे इसने मज़ा ही आ जाएगा। पीछे वाली सीट पर बैठा दे। देखा क्या हाल है, क्या नाम है इसका तेरे छोरे का? इसका भाई टोनू। टोनू जो कैसा नाम भाई, बढ़िया नाम है। ये तो कुत्ता ही है। ओहो नाइस यार, चल हट जाओ गेट के आगे से ना, इसको छोड़ दे प्लीज। इसके इसके समूझ तो मार दे, एक एक किसी कर दे इसके, माँ का समझ आ जाएगा, एक किसी कर दे जा। अरे अपने लड़के की किसी भी नहीं कर पा रहा, वो रिश्ता है क्या कहते हैं पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता तो ना लग रहा है। अपनी गौड़ी खड़ी है, मैंने तो डर लगा है किस दिन आंधी वांधी चल गई तो ये गमले दिख रहे हैं साढ़े का, इसकी टांट फा का पड़ जाऊँ मैं। ओहो बहुत बुरा होगा फिर तो इसके साथ। राम राम भाई क्या हाल है, कल ट्विटर खोल के देखा मैंने और भी काफ़ी सोशल मीडिया साइट्स पे मैंने देखा कि लेफ्टिस्ट मीडिया जितनी भी है और मैं पार्टी का नाम कांग्रेस के जितने भी हैं मैंने देखे, लेफ्ट कांग्रेस को जो सपोर्ट करते हैं भाई वे कति इसके मूवी के सख्त खिलाफ, कश्मीर फाइल्स के कति निट खिलाफ। इन्हें शर्म नहीं आया, मैंने सोचा इन्हें जमीर कहाँ बेच दिया अपना यार, भगवान का सम सोरा बास करोगे। जितने भी हो गए भाई हम तो खुल का नाम ले हुए हैं और ना डरे किसी से भी, ठीक है हमारी सरकार वो वाली बात ना है। बात यो भाई सच को सच बोलना सीखो, चाहे साढ़ा अगला आदमी कोई भी कितना ही बड़ा हो, और कौन ही बड़ा इनमें तो बता दो, लेफ्ट मीडिया में तो कौन सा कितना बड़ा है भाई। स्टिल यार ये कुछ ना है भगवान कसम, इनकी जिस दिन फंडिंग रुक गई ना उस दिन मुंह निकल जाएगा इनका, ये ऐसे चुप्पी बांध लेंगे और ना इंगे करेंगे ना इंगे करेंगे। पर वही है ना भाई पीछे से जब पैसे का जोर आता रहे ना कि चलो भाई तुम बोले जाओ एंटी इंडिया करे जाओ एंटी हिंदू बात करे जाओ ना, तो अखबार में नुई छप जाएंगी है, नुई इन पे डॉक्यूमेंट्री बन जाएंगी, नुई इन पे फिल्म बन जाएगी। आज तक ना आई ना कश्मीर पे, जितनी भी पिछली आई थी शिकारा मूवी आई थी कश्मीर पे, सारी कति खराब मतलब दिखा रखा था सिस्टम पर पूरा प्रोपोगंडा फैला रखा नू, इस्लामिक टेररिज्म को इस्लामिक टेररिज्म नहीं कहा, मिलिटेंट थे मिलिटेंट। शर्म आनी चाहिए ऐसे फिल्म मेकर्स को और जो भी इन मूवीज का पार्ट होते हैं इनके राइटर्स को, शर्म आनी चाहिए। जो मतलब यार मैं तो फील नहीं कर सकता, हम तो फील कर ही नहीं सकते कि भाई वो कश्मीरी पंडित जितने भी वहाँ से बाहर निकले उनका दर्द क्या है। और अपनी जैसे तू समझ लेना, तू अपने घर रह रहा और यहाँ पे सामने उन्हू हो जा भाई अपने घर से निकल चल अपनी बहन बेटी छोड़ के, बता कैसा लगेगा। सेम सीन, अरे वे तो निकट भी गए बेचारे, अपनी कंट्री में रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं, यकीन ना रहो तो भाई जाके कई बार लगे भाई। आज का हमारा यूथ है पूरा ब्रेन वॉश्ड, पूरा ब्रेन वॉश्ड, मतलब उनको नू लगेगा फर्जी है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, हमने तो नहीं पढ़ा इस चीज के बारे में है, ये तो प्रोपोगेंडा चला रहे हैं। और जितना दिखाएगा ना उससे तो बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है। वो बता तो रहा था मतलब लास्ट स्पीच में कि इतनी लास्ट थी कि उनके जनेऊ से ही क्या कुछ पहाड़ वाड़ का कुछ सिस्टम बता, मेरी याद नहीं आ रही वो चीज, पर उसके हिसाब से तो भाई बहुत ही लोग मरे हैं। 5 लाख हिंदू भाई, 5 लाख कश्मीरी पंडित बाहर निकल गए वहां जाते बिलोंग करे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। डायरेक्टर ने बोला इतने इंसिडेंट में कि 3 घंटे में घुसा ही नहीं सकते वो, जो भी हो 3 घंटे ये तो, अरे हट जा भाई टम्पू तेरे पे छोत उतर जाएगा बीच में चल रहा कति। भाई बात ये है कि जिस जिस भाई ने जो
मेन चीज पता क्या है, देखनी तो सबको चाहिए पर सबसे ज्यादा देख के समझ नहीं पता किसको चाहिए। जो आजकल बच्चे वो खोए जा रहे हैं ना, वो खो गए, अपनी बायो में ही हिम लिखते हैं, सी हर लिखते हैं, दे देम लिखते हैं, और आदमी ना समझा है, औरत ना समझा, वैसे वे खूब नुकेंगे। नो हेट, नो हेट, और गाड़ी पकड़ने वाला था मैं यार, सबसे ज्यादा हेट वे दे, मैं सबसे ज्यादा हेट वे दे, मैं कमेंट सेक्शन हो गया चेक, किसी का रिप्लाई हो गया, मैसेज हो गया, हर चीज में सबसे ज्यादा हेट वे ही बाड़क दे, मैं जो कह ना जी हम तो जी हेट के खिलाफ है, मैं साढ़े मेरा आगा आगा ना कोई सा चमका दूंगा। यूथ कहाँ लग रहा है अपने काम धंधे में, करो काम धंधे की बात ना, मैं कह रहा हूँ ना भाई, हमारी जनरेशन के बाद मुझे नहीं लग रहा कि आगे उतनी, मतलब आगे की जनरेशन कैरी कर सकती है इस नेशन को। लो मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, चैलेंज की बात नहीं है, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। आगे की जनरेशन है ना, उठ के देख लो ना, तुम उठा के देख लो, एक बच्चे जितनी भी रील वील बनाए कर रहे हैं, ये जो क्या ही बोलूँ छोरी छारी के बारे में, जो अपने क्या ही बताऊँ, छोड़ो तुम कहोगे एल्विस भाई तुम तो हेट फैला रहे हो, है लड़कियों को ऐसे बोल रहे हो छोटे कपड़े पहन के, अरे डिफरेंस बिटवीन छोटे कपड़े और भाई दूसरी चीज, चलो मैं इस टॉपिक को कहीं और ले गया, बट स्टिल मैं आज का यूथ समझा रहा हूँ कि उनके समझ नहीं आएगा क्योंकि वो इन चीजों में बिजी है ये सब करने में। टीचिंग ऐसी हो चुकी है भाई, मेन मोटिव है कि टीचिंग को सही कर देंगे ना तो लोग सही हो जाएंगे। भाई सबसे पहली चीज तो ना, सबसे पहली चीज तो हमारे जो हिंदू है ना, इनको अवेयर करना पड़ेगा, ये है नहीं ये फंसे पड़े हैं, ये पता कैसे हुए पड़े हैं, जो कश्मीरी पंडित 1989 में था, इनको जब पता लगेगा जब मेजोरिटी में कोई और होगा ना, और तुम जब तक ही सेफ हो, मेरे जितने हिंदू भाई देख रहे हैं, तुम जब तक ही सेफ हो, जब तक तुम मेजोरिटी में हो, जिस दिन माइनॉरिटी में आ गए ना उस दिन भाई के पास आ जाना, ये वो बना दूंगा, बंकर बना दूंगा बेसमेंट में, उसमें छुपेंगे सारे भाई, उसमें धक्के खा के जब पिसोगे ना तब पता लगेगी तुम्हें कि क्या, मैं अब कोई दंगे भड़काने की बात, अरे रुक जा अभी कर। सो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमारे यूथ को चीज़ें समझनी चाहिए ना, वो कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जितने भी टीचर्स हमारे यूनिवर्सिटीज़ में ना, जैसे मैं डीयू के बच्चों से बात करता हूँ, कहते हैं कि भाई ज़्यादातर टीचर्स अभी तो थोड़े बहुत ठीक होने शुरू हुए हैं, उनका फिल्टर होने स्टार्ट हुए ना, सारे लेफ्ट लीनिंग है, बच्चों को ये ही सिखाते हैं, और बच्चा जो सीखेगा ना भाई, एक एज होती है सीखने की जिसमें हमें डिसाइड करना पड़ता है हम इस साइड होना हमें इस साइड होना, तो वही डिसाइड कर रहे हैं टीचर्स कि बच्चों को किस साइड लेके जाना। जैसे मूवी में आपने देखा होगा भाई, इन्फ्लुएंस कर दे, वह आज़ादी चाहिए तुम्हें, आज़ादी मांगो, जातिवाद से आजादी मांगो, इससे मांगो, अरे साढ़े किस्त आजादी चाहिए, तुम मेरे पास आओ ना हम देंगे आजादी तुम्हें, बताओ किस तरह जातिवाद आजादी चाहिए, चमका लेफ्ट वाले कहते कुछ गए पढ़ाने लिखाने में। भाई ऐसा ही सिस्टम है, यही तो सरकार खराब है हमारी भाई, जो सरकारी नौकरी था कोई हटा ना सके ना, ये सिस्टम जो रहता है ये आज के थोड़ी लग रहे हैं, ये जो बूढ़े बूढ़े मास्टर हो रहे हैं ये आज के लग रहे हैं, बीजेपी सरकार में लग रहे हैं। छोड़ो मैं कुछ ज्यादा बोल जाऊंगा, तुम कहोगे अलीस भाई यार तुम तो फिर वो करते हो यार पार्टी वार्टी करते हो, इलेक्शन खत्म होगा अब ना, कोई इलेक्शन का तुम लग रहा हो कि मैं किसी के वो कर रहा हूँ प्रमोशन कर रहा हूँ, 2024 में हरियाणा क्या रहे मेरा कर देना। लगा जोक जोक नहीं, हाँ मतलब जोक ही एक तरीके से, पर स्टिल देखी जाएगी भाई चीजें, तुम भी ठीक है यार थोड़ी आँख खोल लो मेरे भैया, मेरे आँख खोल लो, अगर जिसकी आँख ना खोल रही हो ना मेरे दुरा जाना, और कोई लेफ्टिस्ट जिसने अपनी आँख खोलनी हो उसके तो आँख बाहर निकाल लूंगा, तुम और बताओ कितनी आँख खोलूँ तुम्हारी। ठीक है अभी हम जा रहे हैं, छो एक बार शांत कर लूँ मैं जरा, कहीं नारियल पानी वाला है देखियो दिमाग ठंडा करना मुझे, अब ना मिलेगा, ओ माय गॉड पहाड़ों पे आ गए हैं, तो भाई एक बार वहाँ जाते हैं, देखे वो अज्जू बिल्ली को भी थोड़ा मैं इन्फ्लुएंस करता हूँ, वो भी थोड़ा वैसा उस दिन रात ने समझा रहा मुझे, मैंने कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, ये ऐसे हमारे जियो पॉलिटिक्स है, ये हमारे बाहर से देश से फंडिंग आती है, पूरा समझा रहा करो, अच्छा ये सब भी हुआ, अगले दिन भूल गया। अज्जू भाई को फिर से मेरे को करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा सारी चीजें हैं। दिक्कत ये है सारी, हमारा जो हिंदू है ना भाई, वो इस टॉपिक को ना सीरियसली नहीं लेता। हिंदू मतलब यहाँ ही काम धंधा कर अपने यो भाई, क्योंकि पता क्यों नहीं है ऐसा, क्योंकि उनको बचपन से कुछ चीज पढ़ाई जाती है और हमें वो चीज नहीं पढ़ाई जाती। तो भाई वो तो है कश्मीरी पंडितों ने लास्ट तक हथियार नहीं उठाया, वही तो बात है, हम कह दें उसमें मूवी में था कि बेचारे पे जुल्म होगा तो क्या होगा, पत्थर ही उठाएंगे ना वो, है गन सी तो उठाएंगे वो साढ़ा, ये कश्मीरी पंडित मत किसने उठा लिए गन, किसने उठा ली पत्थर, किसने उठा लिया, मेरे तो नाम गिनवा दो एक। हमने उठाया पेन भाई, वो ये एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में बहुत फर्क होता है, जो जैसी तालीम दी जाती है ना बचपन से कि भाई तुम्हें ये करना बड़े हो के तुम्हें जन्नत नसीब होगी, ये होगी वो होगी, जन्नत का तो वो बना दिया जंक यार्ड बना दिया ग्रेवयार्ड बना दिया एक तरीके से, तो है कहाँ की जन्नत रहेगी यार, फिर क्या हमें तो जन्नत जाएंगे इन्हें मार के जन्नत जाएंगे, आ जाओ मैं कह रहा हूँ मेरे दो राव जन्नत चाहिए तुम्हें, आओ हम देंगे जन्नत तुम्हें, धमकी समझ लेना। आ तुम्हें चोरी करना सिखाऊं दूसरे घर में। गाड़ी तो खड़ी करती है, चोरी करना सिखा दूंगा, मिल जाता चोरी, कुछ मिल जाता।
कश्मीरी पंडित वाली मूवी तो मैं पता कश्मीरी पंडित के साथ क्या हुआ था इनसे जनरली पूछ लो जनरल इन केस मतलब पता कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था मैं नहीं पता तो पता है ना क्या हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ ट्रेलर देखा मैं उस फिल्म को बस ट्रेलर देखा नहीं वैसे अगर फिल्म नहीं आती तो तुम्हें पता था ना नहीं पता था धर्म परिवर्तन करा रखा ना मैंने भाई फिल्म नहीं आती तो पता था तुम्हें ना देखा ये मैं समझा रहा था आज तुम्हें अवेयरनेस नहीं है बेसिकली अवेयरनेस है भाई और ये सब चीजें हमारी हिस्ट्री की किताबों में भी नहीं है क्यों भाई नहीं है भाई हिस्ट्री की किताबों में तो हमारा कहीं वो ही नहीं हमारे हिंदू को वो भी नहीं करा नहीं है, सारे मुगल्स है सब चीज है मुगल्स के लिए बारे में बताया गया हमारे बारे में तो हमारे इतने बड़े बड़े राजा हैं इतना सब कुछ कर रखा भाई वो भी नहीं है कहाँ पता किसी एक भी मुगल इतने मुगल आए थे मुगलों ने ये किया अब मुगलों का हमें मतलब क्या है भाई देखो हिस्ट्री बुक्स देखो जो चैप्टर है ना मुगलों के 12-13 पेजेस के चैप्टर मुगल के इतने बच्चे थे हमें बच्चों से मतलब क्या है भाई हमारे बारे में बताओ ना जो हमारे हिंदू किंग है उनके बारे में एक पैराग्राफ होता है वो खत्म हो जाता है लड़ाई बच जाएगी अर्चित कहाँ है वो मुगल्स का हिमायती हिमायती वाली बात नहीं है भाई जो फैक्ट वाली बात है जैसे बच्चों को नहीं पता सच्चाई बात है कि अरे तो ज्यादा पुरानी बनाते हैं ना 22 साल पुरानी बात है बताओ हम यहाँ कहते हैं कि सेकुलर है जब सऊदी अरेबिया में बना कर रखा है सऊदी अरेबिया जब एक रिलीजन को फॉलो करते हैं तो वहाँ क्यों नहीं गलत कहते भाई देखो देर आर 57 इस्लामिक कंट्रीज ये पता था तुम्हें चीज नहीं अरे इन्हें तो कुछ ना पता ये भाई बहुत जरूरी चीजें हैं ये तुम्हें पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे क्या हिस्ट्री में हमारी जो किताबों में पढ़ाया जा रहा है जो टीचर्स हैं वो आजकल ये समझ लो ब्रेन वॉश ही कर रही है यूथ को जो तुम्हें वोकिज्म की साइड लेके जा रहा है वोकिज्म एज इन कि क्या कह रहे हैं उसे यार हिंदी में हिंदी तो मेरे को बताओ हिंदी में ना पता क्या बेकार चीज जो भी है वो मिल गया RDX मिल गया RDX वेलकम का RDX ये देखो गाइस वाओ भाई वाह ऑटोग्राफ फोटोग्राफ ले ले इसकी गैल इधर देखती सड़क आता आंख होता ही मार दे जानता है इधर मत देखना वापस निकल चुके हैं और रिव्यू देख लिया होगा आपने मैं तो फिर भी एक बार यही बोलूंगा कि भाई कश्मीर फाइल्स देखने जाओ अगर जिसको सच्चाई जाननी है और मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा तो मोबाइल तो पका दोगे बार बार एक चीज बोल के कल हमारा शूट है अमेजोन के लिए तो उसकी शूट होगी यार भाई कितनी मेहनत करते हैं हम लोग बताओ यार भाई अभी जा रहे हैं लेट सोएंगे जल्दी उठेंगे काम करेंगे माय गॉड मत बोल पब्लिक को भी ऐसा हो जाएगा एलविस भाई मेरे लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी यार रिस्पेक्ट तो करते हैं तो मेरी तो भाई ब्लॉक को करते हैं खत्म घर जाऊंगा भिंडी उठाऊंगा वहां से फिर शेट कितनी दूर जा रहा हूँ मैं भाई लाइक कमेंट सब्सक्राइब मेरा भैया हो ना तुम सब्सक्राइब कर देना।